हेलो दोस्तों, स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यह चैनल 12वीं क्लास के लिए बनाया गया है। तो अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैं आज आपको हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य साहित्य से अति महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट और VIP क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे और साथ ही आप एग्ज़ाम में 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो हमारे वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इसमें से पहला है का सदा सुखलाल, खा लल्लू लाल, ग सदल मिश्र और घ इंसा अल्लाह खां। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंसा अल्लाह खां। ओके, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। तो का है रामचंद्र शुक्ल, खा है बाल मुकुंद गुप्त, ग है श्याम सुंदर दास, घा है मिश्र बंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्याम सुंदर दास। तो मैं हाँ, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना आप लोग। भारतीय युग के लेखक हैं का प्रताप नारायण मिश्र, खा राहुल शंकरतायन और ग वासुदेव शरण अग्रवाल, घ जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रताप नारायण मिश्र का नंबर का। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है। तो का नंबर है प्रेम सागर, खा नंबर है नासिकेतोपाख्यान और गा नंबर है सुख सागर और घा नंबर है उदय भानचरित। तो इसका जो सही आंसर है नासिकेतोपाख्यान। पांचवा नंबर है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो इसका का नंबर है इंसा अल्लाह खां और खा नंबर है सरल मिश्र और गा नंबर है प्रताप नारायण मिश्र और घा है काशीनाथ खत्री। तो पांचवा का जो सही आंसर है वो है सदल मिश्र। तो इसका सही आंसर है सदल मिश्र। ठीक है, छः नंबर है, अष्टयाम के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको ये VIP, इसको आप लिख लेना, इन सब क्वेश्चनों को आप लिख के याद कर लेना। ठीक है, तो अष्टयाम के रचयिता हैं, का नंबर गोकुलनाथ, खा नंबर बल्भाचार्य, गा नंबर नाभादास और घा नंबर तुलसीदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाभादास गा नंबर। ठीक है, अगला है हमारा, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। तो इसका का नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा नंबर है जयशंकर प्रसाद और गा नंबर है हरिकृष्ण प्रेमी और घा नंबर है लाला श्रीनिवास दास। तो जो सातवां का सही आंसर है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नंबर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आठवां नंबर का क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है। तो इसका जो का नंबर है रिपोर्ताज, खा नंबर है नाटक, गा नंबर है संस्मरण और घा नंबर है आत्मकथा। तो आठवां का सही आंसर है नाटक। ठीक है, अब हमारा नौवां है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। इसमें से का नंबर है जगदीश चंद्र माथुर और खा नंबर है उदय शंकर भट्ट और गा नंबर है राम कुमार वर्मा और घा नंबर है विष्णु प्रभाकर। तो नौवां का जो सही आंसर है वो है राम कुमार वर्मा। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक देता हूँ, राम कुमार वर्मा।
यार वीडियो को भाई लाइक कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है लिखने में यार। मैं अगली वीडियो लाऊंगा जो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो 10वां हमारा जो क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु की रचयिता है, ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, परीक्षा गुरु की रचयिता है, ठीक है। मैंने बहुत ही छांट के क्वेश्चन लिखे हैं वाले का नंबर। इसमें प्रेमचंद्र है और ख में है बालकृष्ण भट्ट और गा में है जयशंकर प्रसाद और घ में है लाला श्रीनिवास दास। तो जो 10वां का सही आंसर है वह लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। परीक्षा गुरु के रचयिता है लाला श्रीनिवास दास। अगला है, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन हैं, ठीक है। इसमें से का नंबर है अज्ञेय, ख नंबर है श्याम सुंदर दास और गा नंबर है जयशंकर प्रसाद और घ नंबर है प्रेमचंद्र। तो जो 11वां का सही आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इसमें हम टिक किए देते हैं। अगला है 12वां हमारा, बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो का नंबर है इसमें उपन्यास और ख नंबर है कहानी, गा नंबर है जीवनी और घ नंबर है आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है क्या है पता है? तो ये 12वां का जो सही आंसर है वो है उपन्यास, बाणभट्ट की एक आत्मकथा उपन्यास है, ठीक है। अगला हमारा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसमें से का है चंद्रकांता, खा है गोदान, गा है परीक्षा गुरु और घा है चरित्रहीन। तो जो माना जाता है मौलिक उपन्यास प्रथम, वो 11वां का जो है परीक्षा गुरु माना जाता है, ठीक है, परीक्षा गुरु। अगला हमारा, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको VIP कर लेना आप। बोलगा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है क्या है? तो का है उपन्यास, खा है कहानी संग्रह और गा है आत्मकथा, घा है यात्रा वृत्तांत। तो इसमें से 14 का जो सही आंसर है वो है कहानी संग्रह, ठीक है। और हमारा 15वां जो क्वेश्चन है वो है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो इसमें से ये चैप्टर हमारा है ना हिंदी में, तो उसी से क्वेश्चन बन गया है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो का है श्याम सुंदर दास और खा है हरिशंकर परसाई, गा है जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कहते हैं इन्हें, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो इसका सही आंसर है जी सुंदर रेड्डी अर्थात प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ठीक है। हमारा अगला है, हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन है जो है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो इसमें से का है पहला मोहन राकेश, खा है श्याम सुंदर दास, गा है हरिशंकर परसाई और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 16वां का सही आंसर है वो है हरिशंकर परसाई। तो यहाँ इसको क्लिक किया हमने, ठीक है। आगे है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। तो का है बाल कृष्ण भट्ट, खा है राधाचरण गोस्वामी और गा है प्रताप नारायण मिश्र और घा है पंडित लल्लू लाल। तो इसमें जो सही आंसर है इसका प्रताप नारायण मिश्र है इसका सही आंसर। कहाँ है प्रताप, घा नंबर का सही आंसर है इसका। तो 18 का हमारा जो 18वां है, देख लीजिए आप बीच में, 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है, आवारा मसीहा की रचना विधा है क्या है? का है उपन्यास, खा है जीवनी, गा है नाटक और घा है निबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीवनी। तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, टच कर देते हैं। 19वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, ठीक है। का है धर्मयुग, खा है हंस, गा है मर्यादा और घा है सरस्वती। इसमें जो सही है वो है हंस, नंबर, ठीक है।
और अगला है हमारा 20वां, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष शायद आपको पता है। तो का नंबर है 1975 और खा नंबर है 1978 और गा नंबर है 1980 और घा नंबर है 1981। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1981। तो यार वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं कल अगली वीडियो डालूंगा तो आप कमेंट कर लीजिए कि अगली वीडियो आप टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।